आईडी फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पैलिंड्रोमिक नंबर वाले टॉपिक पे कुछ डिस्कस करने वाले हैं, पैलिंड्रोमिक मल्टीपल सेट्स का कलेक्शन। ये जो इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाए थे दोस्तों, वो भी पैलिंड्रोमिक नंबर्स के थे। और पैलिंड्रोमिक नंबर्स में मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक नंबर जो कितने भी डिजिट का हो सकता है, एक डिजिट का, दो डिजिट का, तीन डिजिट का, लेकिन वो उसे हम पढ़ेंगे दोनों साइड से, जब पढ़ेंगे तो वो सेम नंबर आएगा, उसे कहते हैं पैलिंड्रोमिक नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, सो चलते हम कुछ दूसरे टाइप्स के पैलिंड्रोमिक नंबर के मल्टीपल को सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ट्रिपल मल्टीपल से इसमें हम तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें पैलिंड्रोमिक नंबर का सेट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो नंबर है 1, 4, 6, 4, 1। ये नंबर मैंने ले लिया। अभी इसको मैं 1001 से मल्टीप्लाई करूँगा, सो मुझे आंसर मिलेगा 1, 4, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये पैलिंड्रोमिक नंबर है। दोनों साइड से आप देख लो, सिमिलरली सेम मैं वही नंबर लूँगा और 1, 3 times 1 मीन्स 10001 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो मुझे आंसर मिलेगा 1, 4, 6, 6, 5, 6, 4, 1। उसी तरह मैं सेम नंबर को मैं फिर से लूँगा और 1, 4 times 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, सो मुझे आंसर मिलेगा 1, 4, 6, 4, 2, 4, 6, 4, 1। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह सेम मैं नंबर लूँगा फिर से और मल्टीप्लाई करूँगा 1, 5 times 1 से, तो मुझे आंसर मिलेगा 1, 4, 6, 6, 4, 1, 1, 4, 6, 6, 4, 1। उसी तरह मैं फिर से एक बार लास्ट फाइनल बार सेम नंबर लूँगा और 1, 6 times 1, 0 और 1 ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि एक पैलिंड्रोमिक नंबर है। मीन्स मैंने एक पैलिंड्रोमिक नंबर को एक पैलिंड्रोमिक नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो मुझे अब फाइनली आंसर जो मिलेगा वो फिर से पैलिंड्रोमिक नंबर मिल जाएगा 1, 4, 6, 6, 4, 1, 0, 1, 4, 6, 6, 4, 1। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप कंटिन्यू करोगे तो एक पैलिंड्रोमिक सेट और कंटिन्यूड सेट आपको मिल जाएगा। सो आप मल्टीप्लाई करते रहिए, आपको एक पैलिंड्रोमिक नंबर का सेट मिल जाएगा। सो दूसरा सेट है हमारा आज का 1, 2।